बसंत पंचमी हिंदू धर्म में माँ सरस्वती की पूजा का पर्व है और इस दिन को विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व दिया जाता है। बसंत पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। ये पर्व सरस्वती माता की पूजा और उनकी आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन विद्या, कला और संस्कृति की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन विद्यार्थियों और कलाकारों को उनकी कला में सफलता प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर पीले रंग का उपयोग किया जाता है। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनकर उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सुबह स्नान आदि के कार्य से आप निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आपको पीला वस्त्र जरूर धारण करना है बसंत पंचमी के दिन, याद रखिएगा। फिर उसके बाद लकड़ी की चौकी लीजिएगा, उस पर आपको पीला वस्त्र आपको बिछाना है। उसके बाद चावल की ढेरी आप बना लीजिएगा, उसके ऊपर आपको सरस्वती माता की फोटो आप अंकित कर सकते हैं, या फिर आप सरस्वती की मूर्ति लेके उनको आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको जब आप कर लेंगे ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपको दीपक और धूप जलाना है, और दीपक और धूप जलाते समय ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गणानाम तो आ गणपति गुंगवामय प्रणाम तो आ प्रिपति गुंगवामय निधिनाम तो आ निधिपति गुंगवामय वशोमम आ हम जानी गर्भदम तुम जाशी गर्भदम, या तो ये मंत्र बोल सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप सबसे पहले दीपक जलाएं, उसके बाद आपको धूप जलाना है, क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी आप साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, ये हमेशा याद रख ले, अपने दिमाग के अंदर डाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, पंचामृत ले लीजिए, फल फूल ले लीजिए, साथ ही साथ लेखनी आपको लेनी है और कुछ दक्षिणा लेनी है, तो आपको ये सब लेके सरस्वती माता पे अर्पित करना है और सरस्वती माता से अपने लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए कामना करनी है, या अपने लिए कामना करनी है कि हमारे में जो भी अंधकार है माँ वो दूर हो जाए, हमारा ज्ञान हमेशा फैलता रहे, दूसरों की हम मदद करते रहे। बसंत पंचमी का ये पावन त्योहार शिक्षा और विद्या के महत्व को सामाजिक स्तर पर उजागर करता है। इस दिन लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ उपाय करते हैं, जिससे उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आज इस वीडियो में हम इन उपायों के बारे में बात करेंगे। इस दिन घर में फूलों और पौधों को सजा कर रखें, इससे घर की सुगंधित और प्राकृतिक महक बढ़ती है और घर में शांति और स्थिरता का वातावरण बनता है। बसंत पंचमी का त्योहार गुलाबी रंग का होता है, इसलिए घर को गुलाबी रंग की चादर, तकिए और फूलों के साथ सजाएं। माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन घर में पुस्तकें, कलम और शिक्षा से जुड़ी चीजें रखें। बसंत पंचमी को ध्यान में रखते हुए घर को हरे भरे रंगों से सजाएं। हरा, पीला, नीला और सफेद रंग घर को आकर्षक और उत्साही बनाए रखते हैं। बसंत पंचमी के दिन अपने घर की सफाई और सजावट को महत्व दें। घर को साफ सुथरा रखने से प्रकृति की ऊर्जा बढ़ती है और घर में शांति और सकारात्मकता का माहौल बनता है। साथ में बसंत पंचमी के दिन की पूजा विधि भी जान लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान कर साफ कपड़े पहन लें, फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के फूल, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। इस दिन माँ सरस्वती को खिचड़ी और पीले चावल का भोग जरूर लगाएं। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें और विधि पूर्वक माँ की पूजा करें। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा के साथ सरस्वती स्त्रोत पढ़ा जाए तो देवी जरूर प्रसन्न होती हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।